चुनावी माहौल में दल बदले की प्रथा तो चली आ रही है। वहीं बात करें हम गुजरात चुनाव की, तो आज गुजरात चुनाव में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि कई पुरानी कांग्रेस के दिग्गजों ने आज गांधीनगर भाजपा के कार्यालय में भाजपा ज्वाइन किया है। हम बात कर रहे हैं विजय कैला और अभय राजपूत की, जिन्होंने आज भाजपा ज्वाइन किया है। विजय कैला जी का कई सामाजिक संस्थाओं ने भी स्वागत करके बधाई दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में, कैमरामैन अरबाज के साथ राहुल पांडे, रॉयल गुजरात न्यूज, गांधीनगर। आज हमारे श्री विजय केला जी तथा श्री अभय सिंह राजपूत जी हमारे समाज के काफी सम्मिलित कार्यक्रम हैं। आज ये लोग उत्तर भारतीय विकास परिषद के शहर कारोबारी में हमने इनका समावेश किया है। उत्तर भारतीय विकास परिषद, ये उत्तर भारत के जो विविध राज्य हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, छत्तीसगढ़, ये विविध राज्यों के जो लोग गुजरात में तथा भारत के अलग अलग कोने में रहते हैं, ये उनका उनके सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करने वाली संस्था है, संगठन है। आज हमने इनको शहर कारोबारी में की जवाबदारी दी है, साथ साथ में शहर कारोबारी की जवाबदारी के साथ में हमको भी बहुत गर्व अनुभव हो रहा है कि इस हिसाब से सनिष्ठ कार्यक्रम हमारे संगठन से जुड़ रहे हैं। आज संगठन में हमारे ताकत की वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी ने अंदर भारतीय जनता पार्टी ना जूना नेताओं ने खबर आंदोलन हो संगठन काम कांग्रेस में मास्टर माइंड गड़ा मैं गुजरात कांग्रेस के अंदर तालुका पंचायत, जिला पंचायत, धारा सभ्य, मिनिस्टर, राज्यसभा सभ्य बनाया तो छा दसेक वर्ष जो कि दर चूंटनी अंदर अमार चूंटनी कांग्रेस पार्टी हारवा पी रस्ता पर आई विरोध पांच वर्ष करने समाज चार लोग मैंने कहता कि ये भाई तमारा टीवी में फोटा आए थे, छापा में फोटा आए थे, તમારી જિંદગી આમનામ પૂરી થઈ જશે। મેં વાત પાર્ટીની કારોબારીમાં રજૂઆત કરી કે લોકોમાં આપણી એવી છાપ છે તો કે તને એવું કહેતા હોય ગાંડો કહેવાય, મેં કહું સમાજનો સારો ઓળખ કહે છે। ત્યારબાદ મેં ઘણી રજૂઆત કરી કે ગુજરાતની જનતા ભારતીય જનતા પાર્ટીને સત્તા પર 2200 વર્ષથી બેસાડી છે અને આપણે તો વિરોધ કરો તો વિરોધ એવો હોવો જોઈએ કે જે પ્રજાને અસર પડે એવો હોવો જોઈએ। એ લોકો તો માનવા તો એ જ નહીં કે 5 વર્ષે અમારા 4-5 આગેવાનો તો એવા કે પાર્લામેન્ટની ચૂંટણી હારી જાય તો પ્રદેશ પ્રમુખ બને અને લોકસભા જીતે તો કેન્દ્ર મિનિસ્ટર બને, વળી પાછા બીજા હોય તો વિધાનસભા હારે તો પ્રદેશ પ્રમુખ બને અને ધારાસભ્ય, એટલે અંદર અંદર ગુચવાતો હતો, હું પોતે ગુચવાતો મને મોદી સાહેબે મારા ઈચ્છાના ધારાસભ્ય મને એક વાર ઓફર કરી દીધી। પ્રદીપે મને એવું પોતાનું માનવા આવ્યું કે આ પાર્ટી જોડે આટલા વર્ષ રહ્યો અને આ પાર્ટી ક્યારે છોડું, મોદી સાહેબે મને ત્યાં સુધી ઓફર દીધી કે હજી બી એમને એક નામ મને નંબરને નામ આપ્યું હતું, એનું નામ છે ઓમજી, ઓમજી કહેતા મને કહે ઓમજીને મળજે તને લાગે તો મિટિંગ કરીશું, તો મારી ઈચ્છા થઈ નહીં। પરંતુ જ્યારે જ્યારે 10 વર્ષ UPA સરકારની અંદર જે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો થયા ત્યારે બી મેં કીધું કે પાર્ટી એવી રીતે કેવી રીતે ઉભી થશે, તો કે ના તો ભાજપવાળા અફવા પેલા છોડી એવી વાત નથી, રિયાલિટી પ્રેક્ટિકલ વાત નથી। હું ઓલ ઇન્ડિયામાં દરેક રાજ્યની અંદર સંગઠનોમાં મારા મિત્રો છે એ પણ હું પૂછતો તો કે નહીં આ તો એ લોકો એ ધંધા છે, એટલે મને બહુ લાગી એ પછી છેલ્લા વર્ષથી પાર્ટીની અંદર રજૂઆત કરવાનું ચાલુ કર્યું કે આવું નહીં ચાલે, આવી રીતે ના થાય। છેલ્લે છેલ્લે એવી અમારી હાલત થઈ ગઈ કે ચૂંટણી જેમ નજીક આવતી ગઈ તો ઠાકોર સમાજના હાલ ઠાકોર આંદોલન ચાલુ કર્યું, પાટીદારમાં હાર્દિક પટેલ આંદોલન ચાલુ કર્યું, દલિતોમાં આંદોલન ચાલુ કર્યું, એ લોકોને કોઈ જ્ઞાન નથી કે આપણે શાના માટે લડીએ છીએ, આપણા પાર્ટીના પ્રશ્ન પ્રજાના પ્રશ્ન શું છે,
કોઈ પોતાના સમાજ માટે આંદોલન કરે એમાં હું વિરોધ નથી કરતો, મારી સમાજ નો પ્રશ્ન હોય તો હું ભી આંદોલન કરું. અમારે ઉમેદવારો ભી ઘોષિત હોય હે કેન્દ્રીય પાર્લામેન્ટરી બોર્ડ ને 17 उम्मीदवार राज्य की आगामी विधानसभा चुटी में घोषित किया है. मैं सभी को अभिनंदन देता हूं, पार्लियामेंट्री बोर्ड का धन्यवाद करता हूं. और मैंने अभी बोला कि भारत प्रथम, नेता प्रथम, गुजरात प्रथम और भाजपा प्रथम, ऐसे ही हमारी सूची जो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले सूची घोषित की है. और चुनाव का श्री गणेश, जीतने का श्री गणेश आज से शुरू हो गया है. कांग्रेस 1.5-2 बरस से बात करती रहती है कि बूथ में से जो 10 लोग लाए उसको टिकट मिलेगा, हम आज घोषित करेंगे, हम इस महीने में करेंगे. लेकिन कांग्रेस हमारे पीछे है, पीछे ही रहेंगी. नरेंद्र भाई के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी विजय भाई, नितिन भाई, अमित भाई के नेतृत्व में 150 से भी पार इस चुनाव में करेंगी, वो भी मेरे को पूरी श्रद्धा है. हमने इस चुनाव में शेरी नुक्कड़, हालांकि हम हर चुनाव में ये प्रयोग करते हैं, और सकारात्मक प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने, हम जब से शासन में आए तब से हमने किया हुआ विकास हम गांव-गांव तक नुक्कड़ सभा के माध्यम, नुक्कड़ नाटक के द्वारा हम ले जाएंगे और जनता को एक सकारात्मक बात, गुजरात कहाँ से कहाँ पहुँचा ये बात हम वहाँ जाके प्रचारात्मक माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से करने वाले हैं. 182 सीटों पर ये नुक्कड़ नाटक होगा और दोनों जो फेस है, दोनों फेस में ये 12 दिसंबर तक ये नुक्कड़ सभाएं हर गांव में जाके ये करेंगी. और मैं मानता हूं कि ये सही रास्ता, प्रचारात्मक अनेक माध्यम के साथ साथ ये गांव में जाके नुक्कड़ सभाएं ये हम करते रहे हैं. और मैं मानता हूं कि गुजरात की जनता उसको आवकारी. मैं जनता को भी बोलता हूं कि ये नुक्कड़ सभा देख के हम गुजरात ने विकास कहां तक पहुंचा है ये भी हम जानकारी इस माध्यम से मिलेंगी. और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी 150 प्लस से जीतेगी. जनता को मैं आश्वस्त करता हूं, विकास की ऊंचाइयां एक कदम आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तत्पर है. धन्यवाद.